फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट आर ऑटोकॉइड्स, क्योंकि ऑटोकॉइड्स के आगे ही हम ये हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन करेंगे. ऑटोकॉइड्स का एग्जांपल है जाए फर्स्ट हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन. ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे सब चांसेस होते हैं, कल हमने पढ़ा था, जो किसी सिंथेसाइज होती है किसी लोकल टिश्यू पे, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर टिश्यू पे ही वहीं से सिंथेसाइज होते हैं, वहीं रिलीज होते हैं और वापस वहीं पे डिग्रेड हो जाते हैं. जैसे हमने बोला था कि कल कि हमें कोई हनी भी काट जाती है, कोई इंसेक्ट काट जाता है, तो थोड़ी देर तक वहाँ पे स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस हो जाती है. तो मतलब वो क्या होता है, वो ऑटोकॉइड्स अपने आप ही कुछ इस तरह से सिंथेसाइज हो जाते हैं और वहीं पे रिलीज होके और डिग्रेड हो जाते हैं. ठीक है, मतलब सेम जगह पे, सेम टिश्यू पे, इसलिए हम कहते हैं कि हमें बाकी जगह में स्वेलिंग वगैरह नहीं होती. और नेक्स्ट ये है इसका एग्जांपल. अब ऑटोकॉइड का आगे एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका सेकंड टॉपिक है आपके सिलेबस में, मॉड्यूल में सेकंड टॉपिक है, दैट इज हिस्टामिन्स एंड एंटीहिस्टामिन्स. चलो ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा कि वहीं पे सिंथेसाइज होते हैं, वहीं रिलीज होते हैं. इसको बोलते हैं, इसका आधा नहीं, मतलब इसको हम लोकल हार्मोन भी क्यों बोल देते हैं, क्योंकि लोकल हार्मोन मतलब कि लोकली पर्टिकुलर एरिया पे ही जाके सिंथेसाइज हो जाते हैं और रिलीज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोकल हार्मोन भी बोलते हैं. मतलब किसी रिस्ट्रिक्टेड पार्ट पे, पर्टिकुलर या रिस्ट्रिक्टेड पार्ट पे ही ये रिलीज होते हैं, इसलिए इसको हम लोकल हार्मोन बोलते हैं. तो कल हमने ये पढ़ा था ऑटोकॉइड्स, टाइप्स ऑफ ऑटोकॉइड्स, मतलब ये क्लासिफिकेशन थ्री टाइप्स की होती है, माइन ऑटोकॉइड्स, लिपिड डेराइव ऑटोकॉइड्स, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स. आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाइन ऑटोकॉइड्स, दैट इज हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिन्स. हिस्टामिन का स्ट्रक्चर ये आपने इसको केमिस्ट्री वाइज केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, जिस इसका स्ट्रक्चर देखिए. अब हम बोलेंगे हिस्टामिन, हिस्टा, अगर हम हिस्टामिन जो वर्ड है इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हिस्टा एंड अमीन, हिस्टा मीन्स टिश्यू, अमीन मीन्स इज अमाइन ग्रुप. तो इस ये हम क्या बोल रहे हैं कि जो मतलब एक टिश्यू पर्टिकुलर एक टिश्यू में जब हम कह रहे हैं कि अमाइन ऑटोकॉइड्स में, अमाइन फॉर्म में जब ऑटोकॉइड्स रिलीज होते हैं और उसको वो नेम दिया हुआ है एक हिस्टामिन. अब हम ये बोल बताएंगे, मतलब देखो हमने कल आपको बताया था कि ऑटोकॉइड जस्ट हम बोल देते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी मतलब कुछ अपने आप रिलीज होने की वजह से वो स्वेलिंग, इचिंग कर देते हैं, रेडनेस कर देते हैं. बट अगर हम ये बोलें कि पर्टिकुलर कौन कौन से एरिया पे होते हैं, किस किस की वजह से होते हैं, तो हम हिस्टामिन में डिस्कस करेंगे कि हिस्टामिन जो ऑटोकॉइड्स होते हैं वो टिश्यू अमीन ऑटोकॉइड्स होते हैं और वो पर्टिकुलरली किस एरिया में होते हैं. एक एनिमल एंड प्लांट टिश्यू में, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं विनोम्स एंड स्टिंगिंग सेक्रेशन. विनोम एंड स्टिंगिंग सेक्रेशन मतलब किसी भी इंसेक्ट की वजह से, बी की वजह से उनका जो विनोम और स्टिंग जो मतलब उनमें हम कहते हैं जहर जो हमें वो डसता है उस वजह से होता है. या एनिमल प्लांट टिश्यू में कैसे, कई बार किसी प्लांट से मतलब कुछ प्लांट इतने एलर्जिक होते हैं, मतलब अगर हम उन मतलब अगर उनके साइड से टच भी हो जाएं तो भी हमें रेडनेस, इचिंग, हाइपर सेंसिटिविटी होने लग जाती है. और एनिमल्स भी, कुछ एनिमल्स भी इस तरह से होते हैं, अगर हम कहें कईयों को, कई जो एलर्जिक होते हैं उनको डॉग फर से, रैबिट फर से या रैट एंड कैट से भी इन्फेक्शन हो जाती है. तो हम कह रहे हैं जो वही सारे ऑटोकॉइड्स जो कहा अमाइन टिश्यू में होते हैं, तो वो इन इन टाइप में होते हैं, इन इन तरह से में प्रेजेंट होते हैं एनिमल और प्लांट टिश्यू में, विनोम्स एंड स्टिंगिंग सेक्रेशन में. वन ऑफ द मीडिएटर्स इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये कुछ ऐसे मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी प्रेजेंट होते हैं. कैसे, अभी अगर हम सिर्फ बायोजेनिक अमाइंस की बात करें तो हमने ऊपर टू टाइप्स पढ़ लिए. और कुछ कई बार क्या होता है, हमें कोई इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी में कभी किसी भी रीजन से या कुछ दवाई एलर्जी की वजह से, कोई दवाई खाई उसकी एलर्जी होगी, उस वजह से भी इन्फ्लामेशन होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं उस वजह से. अगर उस रीजन से हमें, हम कह रहे हैं कि हमें स्वेलिंग, इचिंग या कुछ दाने हो जाते हैं, तो वो भी हम कह सकते हैं हिस्टामिन की वजह से होते हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू की वजह से, विनोम एंड स्टिंगिंग सेक्रेशन की वजह से नहीं. एक अदर रीजन भी है जब इन्फ्लामेशन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं किसी और मीडिएटर की वजह से, तब भी ये रीजन होता है हिस्टामाइन ऑटोकॉइड्स. सिंथेसिस, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामिन, ये हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि आप केमिस्ट्री में कर चुके हो. जस्ट एक बार पढ़ते हैं, हिस्टामिन इज प्रेजेंट इन स्टोरेज ग्रैन्यूल ऑफ मसल, या हम आगे डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में कि ग्रैन्यूल्स ऑफ मसल्स क्या होते हैं.
एंड फाउंड इन स्किन, लंग्स, लीवर्स, गैस्ट्रिक म्यूकोसा. Now its distribution. Histamine is stored in granules of mast cell. Granules of mast cell क्या होता है? देखो हम granules of mast cell को two parts में पढ़ेंगे. मतलब granules अलग, mast cells अलग. अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि mast cells क्या होते हैं. तो हम पढ़ेंगे कि जो histamines हैं, जो हम कह रहे हैं histamine autocoids हैं, जो क्या करता है, मतलब release होता है, हमें swelling करता है, redness करता है, itching करता है. वो बॉडी में कहाँ पे स्टोर होते हैं? इट्स स्टोर इन द ग्रैन्यूल्स ऑफ मास सेल. मास सेल मतलब एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट और पार्ट ऑफ मतलब कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट ये सेल का पास. जब हम कहते हैं कि जब हमें इंफ्लामेशन होती है, देखो किसी भी रीजन से इंफ्लामेशन होती है, एलर्जी होती है. मतलब अगर कोई एलर्जिक पर्सन है, देखो हर किसी को नहीं होता. अगर कोई एलर्जिक पर्सन है उसको क्लाइमेट चेंज की वजह से, या हम कह रहे हैं कि डॉग की फर से उसको एलर्जी होती है. एलर्जी मतलब वो डस्ट पार्टिकल्स या वो फर जो पोलन पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, वो क्या करते हैं, बॉडी में इंसर्ट होते हैं. इंसर्ट एज एंटीजन, क्योंकि हमारी बॉडी में मतलब हम कह रहे हैं हमें किसी से डेंजर है हमारी बॉडी को अंदर, एंटीबॉडीज को. तो वो किससे डेंजर है, एंटीजन. तो एंटीजन किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. और जब वो करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब एक्टिवेट कर देते हैं एंटीबॉडीज को. तो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं जो अभी एंटीजन है. जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे बारिश आती है तो हम बारिश के लिए क्या करते हैं, विंडोज एंड डोर्स को बंद कर देते हैं. मतलब बारिश इज एंटीजन, एज क्लियरली नहीं बोल सकते, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं. और हम विंडोज और डोर क्लोज करेंगे एज एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट वर्क करने लग जाएगा. तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं मास सेल भी क्या करते हैं, जब भी हम एज ए एंटीजन वो बॉडी में एंटर करते हैं तो एंटीबॉडीज अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं. तो ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, ऑफ मास सेल, मास सेल में स्टोर होते हैं. एंड ग्रेन्यूल्स ऑफ मास सेल मतलब ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स. एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल इसके लिए पहले सोचा था. कई बार क्या होते हैं, कुछ एक लाइक एक बॉल ले लो, बॉल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. कुछ एक बॉल, एक बच्चों का खिलौना आता है जैसे कि एक बॉल होती है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे छर्रे टाइप होते हैं. जब हम उसको हिलाते तो एक आवाज करती है. तो वो जो पूरा बॉल है जो एक सर्कुलर शेप में है, दैट इज मास सेल. एक पर्टिकुलर सेल है उसको मास सेल बोल रहे हैं. उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि वो एक सेल है, सेल के अंदर मास सेल के ग्रैन्यूल्स है, एक सिंपल सेल के अंदर मास सेल के ग्रैन्यूल्स है हमारी बॉडी में हर जगह वो होते हैं. ठीक है, वो कब एक्टिवेट होते हैं, जब कोई एंटीजन एंटर करता है. जैसे कि हम कह रहे हैं कि बारिश आती है, हम पहले तो विंडोज एंड डोर्स क्लोज नहीं करते. जब बारिश आती है हमें पता लग जाता है कि पानी अंदर आएगा सीधी साइड, तो हम उस टाइम डोर क्लोज करते हैं. तो उसी तरीके से जो ग्रैन्यूल्स है मास सेल के, एक सेल के अंदर होते हैं, सेल के अंदर है. वो कब एक्टिवेट होंगे, जब कोई भी इंफेक्शन या एलर्जी होगी तो वो ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, आवाज करेंगे, मीन्स वो जोर से प्रेशर लगाएंगे और जो सेल है उसको तोड़ के या उसको ब्रेक करके या उसमें कुछ पार्टीशन करके, दरार डाल के वो बाहर आएंगे. वो बाहर आने का मतलब कि जो हम कह रहे हैं हमारी बॉडी में फिर अनवांटेड चीजें होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है, रेडनेस होने लग जाती है, स्वेलिंग होने लग जाती है, वो उसकी वजह से है. किसकी वजह से, हिस्टामिन की वजह से. और हिस्टामिन की वजह से कैसे है, क्योंकि वो छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स की तरह हमारे मास सेल में स्टोर होता है. मतलब मास सेल छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की तरह हमारी बॉडी में हर जगह पे, हर सेल पे स्टोर होता है. और वो वहीं पे रिलीज होता है जहाँ पर्टिकुलर एरिया पे. और रिलीज होने से क्या करेगा, वो ऊपर की जो लेयर है, ऊपर की जो सेल्स है उनको रप्चर कर देगा, जिस वजह से वो बॉडी के ऊपर हमें एज इन्फेक्शन और एलर्जी दिखने लग जाएगी. ठीक है, तो हिस्टामिन हम कहते हैं तभी ही रिलीज होते हैं और उसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, क्योंकि ग्रैन्यूल्स सिक्रीट होने लग जाते हैं. अब है टिश्यूज, देखो हिस्टामिन हमने पढ़ लिया, अब है टिश्यूज रिच इन हिस्टामिन. अब ऐसे टिश्यूज अभी हम कह रहे हैं कि वो सिक्रीट आउट होती है, जब ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें स्वेलिंग होती है. पर कुछ कुछ मतलब हिस्टामिन कुछ टिश्यूज होते हैं जो रिच इन हिस्टामिन होते हैं. ऐसा नहीं कि हर एक टिश्यू में हिस्टामिन होगा. और कुछ नॉन मास सेल हिस्टामिन होते हैं कि कुछ टिश्यूज में हिस्टामिन की नंबर जो होते हैं वो नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल देखो इससे क्लियर हो जाएगा, टिश्यूज रिच इन हिस्टामिन मतलब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मास सेल के
जब सिक्रीट होते हैं वो तभी होंगे जब वही ब्रेक डाउन होंगे जहां हमें बॉडी के आउटर पार्ट में दिख रहे हैं या बॉडी के इनर पार्ट में दिख रहे हैं जब हम कहते हैं हमें स्वेलिंग इचिंग होती है वो कहाँ कहाँ होगी क्योंकि जहां पे हिस्टामिन ज्यादा क्वांटिटी में होगा ज्यादा अमाउंट में होगा ज्यादा अमाउंट में होने की वजह से सिक्रीट होकर जल्दी से बाहर आएगा जल्दी से सिक्रीट होगा रिलीज होगा तभी जाके उसके इफेक्ट्स हमें बॉडी में दिखेंगे वो कहाँ होता है इन स्किन तभी हम कहते हैं स्किन में बहुत जल्दी हमें एनर्जी दिखती है स्वेलिंग इचिंग रेडनेस बहुत जल्दी हमें स्किन में दिखती है क्योंकि वहाँ पे हिस्टामिन ऑटोकॉइट बहुत ज्यादा होते हैं तो वो बहुत जल्दी सिक्रीट हो जाते हैं गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोजा लंग्स लीवर एंड प्लेसेंटा लीवर एंड प्लेसेंटा के भी कुछ पार्ट में हिस्टामिन ज्यादा अमाउंट में होते हैं एंड नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन ऐसे हिस्टामिन जो मतलब बॉडी में कम अमाउंट में होते हैं दैट अकर्स इन ब्रेन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा तो हम क्या कह रहे हैं इन अमाउंट में हमें एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ऐसा नहीं होते हैं तभी हम बात करें कि यहाँ पे उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कि हिस्टामिन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें ब्रेन में भी होते हैं एपिडर्मिस में भी होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा में होते हैं बट कम होते हैं कम अमाउंट में होते हैं इसलिए बहुत जल्दी यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन नहीं आते बहुत जल्दी यहाँ पे ऑटोकॉइड्स रिलीज नहीं होते डिग्रेड नहीं होते इसलिए यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती इम्यूनोलॉजिकल रिलीज इम्यूनोलॉजिकल स्टिमुलस इन मास सेल हम वही बोल रहे हैं जो पिछली में पढ़ा कि एंटीजन जब बॉडी में एंटर करेंगे तभी जाके एंटीबॉडीज रिलीज होंगी और उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे एंड डीग्रेनुलेशन इज इन्वॉल्व इन द इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर्स हिस्टामिन रिसेप्टर्स इज H1 अभी आगे फर्दर फार्माकोलॉजी में जहाँ भी हम फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे पर्टिकुलर हिस्टामिन रिसेप्टर नहीं लिखा होगा सिर्फ पर्टिकुलर टाइप लिखे होंगे क्योंकि हमने हिस्टामिन को भी डिस्कस किया कि हिस्टामिन मतलब लार्ज अमाउंट में मतलब मास सेल डिस्ट्रीब्यूशन में और कम मास सेल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होती है तो वो पर्टिकुलरली H1 रिसेप्टर होते हैं H2 रिसेप्टर होते हैं ना H3 रिसेप्टर होते हैं जब आगे फर्दर हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे तो जस्ट हम इन टर्म्स को यूज करेंगे H1 रिसेप्टर H2 रिसेप्टर एंड H3 रिसेप्टर वो अपने को पता होना चाहिए अपना हमने पढ़ने के बाद हमें ये पता होगा कि H1 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं और H2 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं सो फर्स्ट इज H1 रिसेप्टर H1 रिसेप्टर जहाँ पे कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में होगा वो कहाँ कहाँ होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन में इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी वैसोडाइलेशन सेंसरी नर्व एंडिंग एंड नर्व एंडिंग पेन एंड इचिंग तो मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा ज्यादा अमाउंट में निकलेगा तो वहां पे ये इफेक्ट्स आएंगे हमें किसकी वजह से H1 रिसेप्टर की वजह से H1 रिसेप्टर मतलब हिस्टामिन की वजह से वो पर्टिकुलर कौन से हिस्टामिन होंगे H1 H2 कहाँ होंगे जब साइक्लिक AMP रिएक्शन शुरू हो जाएगा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगा ब्लड वेसल में वेसल्स डायलेट होने लग जाएंगी कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी उस टाइप पे मतलब जहां हम कह रहे हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ने लगी तो हम कहेंगे वो हमारे H2 रिसेप्टर्स है मींस हिस्टामिन ऑटोकॉइड्स वहाँ पे ज्यादा रिलीज हो रहे हैं और पर्टिकुलरली H2 की वजह से हो रहे हैं H1 की वजह से नहीं हो रहे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन क्योंकि वो हमने डिवाइड कर दिए उनको 3 पार्ट्स में H3 रिसेप्टर इज प्रीसाइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स जहाँ पे साइक्लिक AMP का जो स्ट्रक्चर है एंड उसका साइकिल है वो डिक्रीज होने लग जाएगा मतलब कम अमाउंट में रिलीज होंगे इन डिक्रीज इन हिस्टामिन रिलीज डिक्रीज इन सिक्रीशन एंड वैसोडाइलेशन होगी जहाँ भाविनी किसको बढ़ा रहे हो साथ में नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स फर्स्ट इज गैस्ट्रिक सिक्रीशन अब इसकी कल हमने ये भी पढ़ा था ऑटोकॉइड्स में इसकी क्या होते हैं एक पैथोफिजियोलॉजिकल और फिजिकल रोल जो होते हैं वो दो तरह से इसके रोल होते हैं फर्स्ट इज गैस्ट्रिक सिक्रीशन कैसे क्योंकि अभी हमने इसी में पढ़ा कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन एसिड सिक्रीशन इंक्रीज होती है कहाँ होती है H2 रिसेप्टर में होती है तो अब हम कह रहे हैं सिक्रीशन ऑफ H2 इन द स्मूथ मसल इट इंक्रीज इट इज रिलीज बाय फीडिंग वैगल स्टिमुलेशन एंड कॉलिनर्जिक ग्रोथ एंड गैस्ट्रिक मतलब इनकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ने लग जाती है और ये क्या करते हैं मतलब मेन रीजन क्या है हिस्टामिन की वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है एंड पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स एलर्जिक फिनोमिना मतलब अगर आपको किसी भी रीजन से कल हमने ये चीज पढ़ी थी दोनों ये हमने ऑटोकॉइड्स केस में पढ़ी थी और ऑटोकॉइड्स मतलब अब हम गैस हिस्टामिन पढ़ रहे हैं तो हिस्टामिन में भी सेम वही फिनोमिना
एप्लीकेबल होगा कि पैथोफिजियोलॉजिकल रूल्स, दैट मींस कि एलर्जिक अगर फिनोमिना है, हमें किसी की भी एलर्जी है, तो उस केस में भी हमारे हिस्टामिन्स रिलीज होने लग जाएंगे इनसाइड बॉडी. एज ट्रांसमीटर इट इनिशिएट्स द सेंसेशन ऑफ इच एंड पेन एट सेंसरी नर्व एंडिंग्स. इंफ्लामेशन, हिस्टामिन इज अ मीडिएटर ऑफ वैसोडायलेशन. मतलब जहां पे भी, मतलब जब भी इंफ्लामेशन होगी तो वो हिस्टामिन की वजह से होगी. वो क्यों होती है? क्योंकि वो वेसल्स डायलेट कर देते हैं. वेसल की डायलेशन की वजह से हम कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरह की इंफ्लामेशन होगी. एंड टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर. नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट किसके हिस्टामिन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होंगे? फर्स्ट इन एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन. मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सारी सिक्रेशन लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, सलाइवरी ग्लैंड्स की, स्वेट ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, ब्रोंकियल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, इनकी सिक्रेशन बढ़ जाएगी. इसकी वजह से, हिस्टामिन की वजह से. जब भी हम कह रहे हैं हिस्टामिन ऑटोकॉइड्स रिलीज होंगे, एक्टिवेट होंगे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड से जिनकी भी सिक्रेशन होती है, जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं, उनकी सिक्रेशन वो इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, आर्ट्रियोल्स, कैपलरी एंड वेन्यूल्स. अब आर्टरीज पे, कैपलरीज पे, वेन्यूल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हिस्टामिन का? वेसल्स डायलेट हो जाएंगी. वेसल्स डायलेट इसलिए होंगी क्योंकि वेसल डायलेशन की वजह से इंफ्लामेशन होता है. इंक्रीज परमिएबिलिटी, सिस्टमिक हाइपोटेंशन. मतलब अगर हम कह रहे हैं कि आर्टरीज और कैपलरीज और वेन्यूल्स पे हिस्टामिन का, ये आपके ना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स केवीडी में भी है, एक एक की बात की, स्मूथ मसल की, हार्ट की, उनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? जस्ट वही चीज यहाँ पे है, बस बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं लिखा, उसको पर्टिकुलर एक ही टर्म लिखी हुई है कि जस्ट वैसोडायलेशन की. वैसोडायलेशन की वजह से इन्फ्लामेशन होती है. केडीटी में ये लिखा है इन्फ्लामेशन होगा तो फिर क्या होगा, क्या क्या रिएक्शन होगी, कौन कौन से हाइपरसेंसिटिविटी होगी? तो ये वही चीज है जो केडीटी में है, बट जस्ट एक एक टर्म लिखी है. आपको एक बार केडीटी के साथ गो थ्रू होना पड़ेगा. एंड सिस्टमिक हाइपोटेंशन एंड वैस्कुलर स्मूथ मसल्स भी क्या इफेक्ट पड़ता है हिस्टामिन का? कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, इन जीआईटी एंड इन यूट्रस. ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामिन्स. एंटीहिस्टामिन्स हम कल करेंगे क्योंकि अभी इस स्लाइड्स तो इसमें कंप्लीट है, बट हम इसको मोस्टली जहाँ पे भी हम यूज करते हैं, दैट इज H1 antagonist यूज करेंगे. बहुत सिंपल है, जहाँ हम कह रहे हैं कि हिस्टामिन जहां जहां पे रिलीज होता है और जो इफेक्ट आते हैं फार्माकोलॉजिकली, जो भी इफेक्ट आते हैं जो हमने पूरा पिछले स्लाइड में पढ़े, वो जस्ट उसके इफेक्ट को अपोज करेगा. मतलब हम कह रहे हैं कि अगर हमारे स्मूथ मसल की वजह से या हमारी आर्टरीज कैपिलरीज पे या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे जो भी इफेक्ट पड़ता है, सिक्रेशन इंक्रीज कर देते हैं या यहाँ पे वैस्कुलर स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे एंटीहिस्टामिन जो H1 एंटागनिस्ट हैं, वो क्या करेंगे? इन सब के इफेक्ट को अपोज करेंगे. सेम, ये दो तरह का होता है H1 antagonist and second generation antihistaminics.